गाइस ये देखिए मसाला नमक जो कि हमने रेडी किया हुआ है। इस मसाले के बाद आप कोई भी डिश में डालें या पूरी के नमक का बना के एक बार रख लेते हैं तो किसी भी डिश में किसी और मसाले की जरूरत नहीं लगेगी और इस मसाले से इतना टेस्टी और इतना यम्मी डिश बन के तैयार होगी कि आप सादा पूरी के साथ या पराठों के साथ ही ये नमक जो है चट कर जाएंगे। इतना प्यारा इतना टेस्टी नमक है। तो चलिए देखते हैं ये मसाला नमक हमने कैसे बनाया है। तो चलिए देखते हैं पूरी वीडियो। हेलो एवरीवन, हम छाया मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल छाया मिश्रा में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कि आज हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। तो चलते हैं किचन की तरफ। देखिए आज हम आपको एक स्पेशल मसाला नमक बताने जा रहे हैं जो कि हम अक्सर करके रेसिपी में यूज करते हैं। ठीक है, इन नमक को अगर आप बना के रख लेंगे तो कोई कितनी भी टफ रेसिपी बनाते हैं अगर इसमें ये सिर्फ एक मसाला नमक डाल लेंगे ये वाला तो कोई मसाले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको अपनी रेसिपी के लिए। इतना टेस्टी और इतना यम्मी रेसिपी बन के तैयार होगी। तो चलिए दिखा देते हैं आपको मसाले। ये धनिया एक बाउल हमारा है। ठीक है, ये हींग 2 स्पून, ये काली मिर्च 1 स्पून, जीरा 2 स्पून, लाल मिर्च हमने तो लेके रखी है कम से कम 30 हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारी बहुत ज्यादा तीखी है तो 30 मिर्च ली हैं, आप अपने हिसाब से मिर्च कर सकते हैं। और ये अजवाइन 1 स्पून, ठीक है क्योंकि अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है इस वजह से 1 स्पून, और ये 1 कटोरी नमक। तो चलिए देखते हैं कि हमें अब क्या करना है। ये देखिए गाइस, हमने अपना पैन रख लिया है। ठीक है, तो इस पर हम डालेंगे अपना धनिया। ठीक है, जो हमारी 1 कटोरी है, इस धनिया को ड्राई रोस्ट करेंगे अच्छे से, इसको भून लेंगे। इसको हमने पहले साफ कर लिया था, जो जैसे इसमें एक मैं ये देखिए इस तरह की लकड़ियां होती हैं वो सब साफ कर ली थी, अच्छे से धनिया ले लिया। तो इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे लगभग 1 मिनट। देखिए गाइस, ये रेसिपी उन लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छी है जिनके छोटे बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना सारा काम नहीं कर सकते हैं कि जैसे आप सब्जी बना रहे हैं कई तरह के मसाले डालें या जो कम मसाले थोड़ा सा खाते हैं, जो जैसे लौकी है तरोई है सिंपल चीजें खाते हैं, तो उसमें यही एक मसाला आप ऐड कर दीजिए, ये एक नमक ऐड कर दीजिए, काफी अच्छे से बन जाएगा। और कोई भी इंग्रीडियंट आप सादा चना भिगो के खाइए उसमें भी ये नमक डालेंगे तो बहुत टेस्टी वो चना लगेगा, इतना टेस्टी ये होता है। ये देखिए गाइस, धनिया हमारी भुन गई है, इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। ये देखिए, क्योंकि इसको इससे ज्यादा नहीं भूनना है नहीं तो ये जल जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम दूसरी थाली में निकाल लेते हैं। ये देखिए, इस थाली में हम ठंडा होने के लिए निकाल लिए। और अब इसमें हम ऐड करेंगे जीरा, इसको भी भून लेंगे। ये देखिए गाइस, अब इसमें हम इसी में अजवाइन डाल देंगे अपनी, ताकि ये भी थोड़ी सी भून जाए। ठीक है, इस तरह से। ये देखिए गाइस, चटकने की आवाज आ रही है, आप सुन रहे होंगे। तो बस इसी टाइम हमको फ्लेम बंद कर देनी है और ये भी हमारा भून चुका है। इसको भी उसी थाली में निकाल लेंगे जिसमें हमने धनिया निकाली है। ठीक है, हम इसको भी निकाल लेंगे क्योंकि हमें पीसना सब एक में ही है। और अब इसमें हम डालेंगे अपने मिर्च। ठीक है, हमने थोड़े से मिर्च लिए हैं 30। ठीक है, 25 से 30 मिर्च लिए हैं, आप अपने हिसाब से ले लीजिए। और ये देखिए, इनके ये जो डंठल होते हैं ये निकाल देना है इस तरह से। और ये गाइस, धनिया भुनने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बाकी ये सारा सामान भुनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। ठीक है, और गाइस ये हमारी वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि अगर पूरी आप नहीं देखेंगे तो आगे जो हम बनाएंगे नाश्ते वगैरह नमकीन तो उसमें हम नमक यही यूज करेंगे। अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हम भूनते हैं अच्छे से। अब देखिए, हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इन मिर्च को भी हम अलग निकाल लेंगे। ठीक है, ठंडा होने के लिए। और आप देखिए, इसमें हम ड्राई मसाले जो हमारे पीसे हुए हैं वो हम ऐड करेंगे। ये देखिए गाइस, हमने फ्लेम बंद कर दिया है, हमारी गरम कढ़ाई है उसी में हम डालेंगे अपना हींग और काली मिर्च पाउडर। इसको भी हम ऐसे इसमें चलाते हुए भून देंगे हल्का सा। सारे इंग्रेडिएंट पीसे हुए हैं तो जल्दी भून जाएंगे। ये देखिए अब गाइस, ये देखिए अमचूर पाउडर, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा इसी में हो जाएगा, भून जाएगा। ठीक है, और देखिए गाइस, मिर्च हमने इसलिए थोड़ा सा कम लिया, तो बच्चे तीखा कम खाते हैं, ऊपर से हमने काली मिर्च ऐड करी है। आप लोगों की इच्छा हो तो काली मिर्च ऐड कर ले,
नहीं इच्छा है अगर ऐड करने की तो आप मिर्च बढ़ा लें, या जैसा तीखा खाते हैं आप उसी हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसको ऐसे रख देते हैं 5 मिनट के लिए। ये देखिए गाइस, हमारा सारा आइटम ठंडा हो चुका है, तो इसको हम इस जार में भर देंगे। ये ठंडा जरूर कर लीजिएगा, ठंडा होने के बाद ही तो क्रिस्पी होंगे, तभी ये पिस पाएगा अच्छे से। ठीक है, और अब इसमें हम अपना 1 कटोरी नमक ऐड करेंगे। ठीक है, और अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसको पीस लेंगे। ठीक है, ये देखिए गाइस, हींग और अमचूर पाउडर और काली मिर्च पाउडर जो पिसा हुआ रखा था वो भी इसमें हम ऐड करेंगे और फिर से ग्राइंड कर लेंगे इसको बढ़िया महीन। ये देखिए गाइस, इसको हमने बंद कर दिया, बट अभी नहीं ओपन करेंगे। अगर आप अभी तुरंत ओपन कर दोगे ना तो इसमें जो मिर्चे की झा है वो निकलेगी, तो उसकी वजह से आप थोड़ा सा खांसी आ सकती है, इस वजह से थोड़ा रुक के ओपन करेंगे। ये देखिए गाइस, ओपन हो गया और देखिए कितना अच्छा सा मसाला बनकर तैयार हुआ है। गाइस हमारा नमक मसाला नमक तैयार हो गया, कितना प्यारा यम्मी। आप चाहे से समोसे बनाइए या कटलेट बनाइए या कचौड़ियां बनाइए, आप ये मसाला किसी में भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं इसको। ठीक है गाइस, ये मसाला नमक बनकर रेडी है, और आप अपने घर में बनाए और इसका जो स्वाद है वो चखे, फिर बताएं कि ये कैसा बना है। तो बस इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि इसमें गीला स्पून या हाथ नहीं लगाना है, बाबा के एयर टाइट जार में भर के रख दीजिए। बट इतना ध्यान रखें कि आप लोहे के या फिर आप उसके स्टील के बर्तन में मत भर के रखें, क्योंकि ये नमक है, नमक इसमें पड़ा हुआ है, खराब हो जाएगा वो बर्तन। तो आप ज्यादातर प्लास्टिक का बर्तन या कांच का बर्तन यूज करिए। तो इसको देखिए, अभी ये गर्म है तो इसको ठंडा होने के बाद हमें भरना है उस जार में। तो चलिए, अगर हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।